यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे शेयर जो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, तो आप इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको दूसरों से उधार लेकर के, कर्ज लेकर और लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इससे आपको आगे चलकर के बड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अब देखिए, यहाँ पर हम जो भी स्टॉक्स आपको बता रहे हैं वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। उसमें सबसे पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो अभी आप बाय कर सकते हैं, अभी मात्र ये 3,813 रुपीज के आसपास मिल रहा है और ये अपने 52 वीक हाई से, मतलब ऑल टाइम हाई से काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। 4,345 रुपीज इसका ऑल टाइम हाई है, तो काफी डिस्काउंट पे शेयर मिल रहा है। और ये जो पैटर्न बना है ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। स्टॉक अभी काफी ज्यादा गिरावट मिल रहा है और यहाँ से रिवर्सल का साइन दे रहा है। और यहाँ पर अगर ये 3,880 रुपीज के ऊपर निकलता है तो ये जबरदस्त तेजी दिखाएगा और आपको कम से कम तो यहाँ तक का टारगेट 4,250 रुपीज तक ये चला जाएगा आसानी से। और यहाँ ब्रेकआउट होता है तो फिर से इस लेवल पर स्टॉक कभी नहीं मिलेगा। देखिए होता क्या है, स्टॉक ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आता है, तो बीच बीच में प्रॉफिट भी बुक करते रहना चाहिए आपको। देखिए यहाँ से अगर आपको 50% 100% का भी प्रॉफिट मिलता है तो वहां आप 50% प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो प्रॉफिट भी बीच बीच में लेते रहें और हर डीप पर, हर गिरावट में स्टॉक को बाय करते रहें, क्योंकि ये स्टॉक फंडामेंटली काफी सॉलिड है। तो गिरावट में बाय करना है और जब अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करते जाइए। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। ये स्टॉक भी काफी बेहतरीन है और देखिए काफी नीचे के प्राइस में मिल रहा है, मात्र 1560 रुपया पे, जबकि इसका ऑल टाइम हाई है 1645 रुपया। तो काफी नीचे के प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है और काफी बेहतरीन सेक्टर के लीडर स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का। देखिए अभी बैंक में काफी तेजी देखने मिला है, तो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक यहाँ से देख सकते हैं, इसमें भी रिवर्सल का साइन दिख रहा है। अगर यहाँ पर बाय करते हैं और यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो काफी जबरदस्त यहाँ पर टारगेट आपको मिल सकता है। और अगर यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो फिर से हो सकता है इस लेवल पर स्टॉक नहीं मिले। तो निश्चित रूप से इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SIP मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से अगर और करेक्शन मिले तो और नीचे प्राइस पर लेंगे। लेकिन अभी जो तेजी है बैंकिंग सेक्टर में, हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से मोमेंटम दिखाए, लेकिन ओवरऑल स्टॉक काफी नीचे के प्राइस पर मिल रहा है। अगला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है और अगर हम बात करें यहाँ पर 1553, अगर बात करें तो यहाँ पर मात्र 1553 पे 50 पैसा भी ये स्टॉक मिल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें, अगर ये ब्रेकआउट देता है 1640 के ऊपर निकलता है तो काफी बेहतरीन तेजी देखने मिलेगा। ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई 1640 रुपया से काफी नीचे मिल रहा है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी स्टॉक बता रहे हैं ये काफी फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है, तो गिरावट इस स्टॉक में भी हो सकता है लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि और सब स्टॉक में हो सकता है। अगर बात करें चार्ट का तो चार्ट इसका भी बुलिश बना है। अगर यहाँ से स्टॉक 1565 को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से 1640 तक जा सकता है, और इसको क्रॉस करके ब्रेकआउट गया तो फिर दोबारा इस प्राइस पर मिलना यह स्टॉक मुश्किल होगा। फिर अगला जो स्टॉक है वो है गुजरात गैस। ये भी काफी नीचे के प्राइस में मिल रहा है। देखिए स्टॉक यहाँ से आज रिवर्सल का साइन यहाँ पर दिया है और वॉल्यूम भी आज ग्रीन है। अगर यहाँ से ये स्टॉक ऊपर निकलता है, आज के क्लोजिंग के ऊपर खुल रहा है, तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो 665 रुपये का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। देखिए ये PSU स्टॉक है, तो PSU स्टॉक में होता है कि साइकिल रिवर्स होता है, तो एक बड़ी गिरावट भी दिखाता है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ही इस पर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर यहाँ से तेजी दिखाता है और अगर ये 785 के ऊपर निकलता है तो फिर गजब का तेजी दिखाएगा। ऐसे भी स्टॉक काफी फंडामेंटली सॉलिड है तो और काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिला है, अपने 52 वीक हाई से, ऑल टाइम हाई से काफी नीचे में लाया, तो ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है जो कि डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको उपलब्ध है। फिर है कॉलगेट। देखिए ये सब स्टॉक जो आपको बताते हैं फंडामेंटली ये लॉन्ग टर्म की स्टॉक है। अगर आप इसको अच्छे प्राइस पर लेकर के रख देते हैं तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन वेल्थ क्रिएट करके देगा। आज तो इस स्टॉक में देखिए गिरावट देखने मिला, ये अपनी ऑल टाइम हाई 1823 रुपये से काफी नीचे मिल रहा है, तो यहाँ पर ये स्टॉक भी आपको काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पर और गिरावट अगर दिखाते हैं तो और डीप पर बाय कीजिए, क्योंकि ये फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक है, तो इसमें कोई बड़ी गिरावट या कहीं स्टॉक क्रैश
होने वाला नहीं है, थोड़ी बहुत गिरावट होगा, तो उसी गिरावट में आपको ये बाय करना चाहिए, काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और इसका जो यहाँ पर सपोर्ट रीजन है वो 1630 रुपए के आसपास है, तो 1630 के नीचे अगर ये जाता है तो अवॉइड भी कर सकते हैं, ऐसे जाएगा नहीं ये स्टॉक क्योंकि फंडामेंटली काफी सॉलिड है और यहाँ पर पैटर्न इसका भी बुलिश है, तो थोड़ी बहुत गिरावट होगी और फिर यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। और अगर ये 1755 के ऊपर निकलता है तो फिर ये 1823 तक आराम से जा सकता है, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर तो आपको काफी जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा इस स्टॉक में। ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक हम आपको अपने चैनल पर बताते रहते हैं जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो ऐसे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।